डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राजभाषा का ही क्रमिक रूप है। राजभाषा। महात्मा गांधी को ही यह श्रेय जाता है कि राष्ट्र की कोई एक संपर्क भाषा हो, इस पर उन्होंने बल दिया था। हालांकि गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी आग्रह के पीछे मुख्य रूप से राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता आंदोलन की समग्रता थी। आज हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी जगह अंग्रेजी ही कार्यरत है। तो मैं बराबर गांधी जी को याद करता हूँ। बापू ने आज 70-80 वर्षों पूर्व हिंदी के संबंध में जो बातें कही थी, वे आज भी सामयिक और सार्थक है। आज जब हम हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं, तो एक बार पुनः गांधी जी को ही सामने रखकर गंभीरता से विचार करें कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपिता की चिंता को भी हमने महत्व नहीं दिया, बजाय इसके कि यहाँ मैं अपनी ओर से कुछ कहूँ। गांधी के कहे को ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। काश आज भी राष्ट्र इसे ग्रहण कर ले, तो जहाँ एक ओर उसकी अस्मिता में 4 चांद लग जाएं, वहीं राष्ट्रपिता की आत्मा को भी शांति मिल जाए। इसलिए गांधी जी का लिखा राष्ट्रभाषा संबंधी यह लेख यथावत मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पैराग्राफ चेंज। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिंब होती है, और यदि आप मुझसे यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं अशक्त है कि उनके द्वारा सर्वोत्तम विचार व्यक्ति नहीं किए जा सकते, तो मैं यह कहूंगा कि हमारा अस्तित्व जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कल्पना करता हो कि अंग्रेजी कभी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? राष्ट्र पर यह मुसीबत क्यों डाली जाए? मुझे पूना के कुछ प्राध्यापकों के साथ घनिष्ठ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हर एक भारतीय युवक, चूंकि वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाता है, इसलिए अपने जीवन के कम से कम 6 बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ गंवा देता है। इस संख्या में गुणा कीजिए और फिर स्वयं यह पता लगाइए कि राष्ट्र ने कितने हजार वर्ष गंवा दिए हैं। हमारे ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। हमारे अंदर वह शक्ति हो ही नहीं सकती है। समाप्त।